हाय फ्रेंड, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु वर्ड्स केयर। वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमने चुना, पहले ही बोल रही हूँ, कल कोई वीडियो नहीं आ रहा है। संडे स्पेशल में वीडियो आएगा, क्योंकि कल 25 दिसंबर है। हम तो डाल देंगे, मेरे को कोई नहीं है, लेकिन अब लोग काम काज में बिजी रहोगे, तो इसीलिए कल वीडियो ऑफ रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है, मैं आप लोगों को बार बार बहुत बार बोल चुका हूँ, ये सभी को लिए नहीं है, कुछ मतलब बोल रहे हैं, माइंड मत कीजिए इसमें। देखिए, जब हम कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, इतना जान लीजिए, मैं कोई कामकाज में बहुत ही इमरजेंसी कामकाज में बिज़ी हूँ, तो इसीलिए बहुत लोग सभी को बोल के रखे हैं, हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्योंकि एक होता है, देखिए आप खुद महसूस करके देखिए, फ़ोन कॉल्स में बात करना मैं तो ज़रूर करूँगा, मेरा वो टाइम निकल जाने के बाद ज़रूर करूँगा, लेकिन एक व्हाट्सएप में रिप्लाई देने में बहुत टाइमिंग का फ़र्क होता है ना। तो इसीलिए कुछ इमरजेंसी में भी फैमिली मैन हूँ, तो इसीलिए अब अगर देखिए, दो बार से हम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अगर रिंग बैक भी नहीं कर रहे, तो बहुत काम पे, ऐसे कोई इमरजेंसी काम पे बिज़ी हूँ जो हम रिंग नहीं कर पाते, तो तुरंत आप व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप में मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। हर देखिए, जो जो आप अभी आज मैं सारा दिन जैसे जब बहुत सारे फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पाए, क्योंकि मैं बिज़ी था थोड़े बहुत पर्सनल काम पे, इसीलिए तुरंत हमको व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिप्लाई दे देंगे व्हाट्सअप में। एक या दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, मेरा जो मोटिवेशनल चैनल है ओपन हो गया है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। मैं कल से मतलब संडे से आप लोगों का लगातार मतलब सप्ताह में 3 टो करके वीडियो उधर मिलेगा। वीडियो देखिए, अगर जिसको लगे ना ये सही जानकारी है तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। क्योंकि मैं कभी इस दूसरे जैसे जैसे लोग बोलते हैं जो सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर, आपको अगर पसंद आए तभी कीजिए, नहीं पसंद आए तो मत कीजिए, क्योंकि ये फॉलो करता हूँ मैं। तो चलिए, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। ज़्यादातर जो बर्ड्स सभी मतलब फर्स्ट टाइम घर में पाल रहे हो, उसका मतलब ब्रीडिंग मोड में आया है, लेकिन कुछ चीज़ों का, एक के बारे में भी कुछ चीज़ों का जानकारी आपके भीतर होना चाहिए, जो हर कोई मतलब जो आप लोग वीडियो देखते रहते हो, हम लोग जो वीडियो आसपास में देखते रहते हैं, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। मैं कोशिश करूँगा, मेरे जितना नॉलेज है आज तक, एक के ऊपर कोई भी बर्ड्स का, एक मैं लव बर्ड्स का लेग लेके बैठी हूँ जेब में, ठीक है, दोनों है तो हम दिखा रहे हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी, हम लोग जो अनफर्टाइल बोलते हैं ना, इसका मेन वर्ड है फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब एक जमता नहीं है, इसका बहुत सारे रीज़न होता है। एक होता है सही से मेट नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट टाइम सही से मेट नहीं हो रहा है, मतलब सही से उसको लोग हर बर्ड्स का, जैसे कनूर बर्ड्स या कॉकटेल साइड से मेट करता है, लाभ बर्ड ऊपर से मेट करता है, बजीस ऊपर से मेट करता है, फिंच ऊपर से मेट करता है, तो ये सारे भी चीज भी जानकारी में होना चाहिए, कौन बर्ड कैसे मेट करता है। सही से पोजीशन ना मिलने के कारण रिलीज तो होता है कुछ चीज़ जो हम खुल के नहीं बता सकते हैं, अब लोग समझदार हो समझ जाएंगे। उसी के कारण एक फॉर्मेशन तो होगा, क्योंकि डिम्बाणु निकल रहे हैं तो इसीलिए एक फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसमें एक जमे मतलब लिक्विड फॉर्मेशन में रह जाएगा। क्योंकि असली जो चीज़ है जो मिलने से एक बेबी का जन्म होता है, उसमें नहीं आया है, तो ये भी एक कारण होता है, फर्स्ट कारण इनफर्टिलिटी का। सेकेंड कारण ये है, जो वेदर के कारण जो प्रॉपर हीट उसको मिलना चाहिए, ये ज़्यादातर जो से मतलब देखिए ज़्यादातर होता है जो पहली बार ब्रीड पे आ रहा है फर्स्ट टाइम, उस इस प्रेयर से बहुत बार ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हालांकि हम लोग ये भी देखते हैं, वेदर फ्लैक्चुएशन के कारण, बर्ड्स का मूड बदल जाने के कारण, मूड बर्ड सही से एक को हैचिंग नहीं कर पाते हैं, वो एक जमता नहीं है। और सही से मतलब मेल फीमेल का मैच सही हुआ, लेकिन प्रॉपर मतलब फीमेल मेल में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, मतलब जिसको हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, अनफर्टाइल हो सकता है, हो सकता है ना, होता है। क्योंकि माँ बाप मतलब जिससे जिस लोग बार्ड बीट कर रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन में अगर कुछ कमी होगा तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अगर न्यूट्रिशन में ज़्यादा कमी होगा, हालांकि कभी कभी देखा जाता है बेबी का तो जन्म हो जाता है, वो बेबी एक्सपायर कर जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जैसे फिंज 14 दिन के भीतर एक मतलब उसका हैचिंग हो जाता है, लव बर्ड, कॉकटेल, कनूर,
आपका वजीज ज़्यादातर 22 या 23, मतलब उन लोगों जब मेट करते हैं, फिंच के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हम बड़े बाट के ऊपर बात करें, मतलब मीडियम साइज़ का मान लीजिए बजीज बाट, आपका लाभ बाट, आपका कनूर बाट, 14 डेज के बाद फास्ट एक ले करता है, उसके बाद जिस जैसे मेट होता है उसके दूसरे दिन एक लेइंग होता है, इसीलिए काउंटिंग बहुत ही ज़रूरी है फास्ट एक कब ले कर रहे हैं, क्योंकि उसी से 23rd मतलब 23 दिन के बाद फर्स्ट एक से बेबी निकलेंगे, अगर वो जमेगा सही से तभी। कभी कभी ये भी होता है जो एक डेड इन सेल हो जाता है कैल्शियम के कारण या सही हीट प्रॉपर नहीं होने के कारण, हम कुछ उदाहरण दिखाएंगे, पॉकेट में जेब में एक है, किसी से हम लेकर आए हैं अब लोग ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए, जो बिगिनर है उसमें बहुत काम आएंगे, हर बार के लिए सेम है, इसीलिए मैं लबर्स के ऊपर दिखाऊँगा लेकिन हर बार के लिए सेम है, कि सारे चीज़ में थोड़ा सा ध्यान लगाइए, घबराइए मत। आपका बार्ड्स का एक जमेगा कि नहीं जमेगा, मिनिमम फिंच का अगर होगा 2-3 दिन के भीतर ही आप लोगों को पता लग जाएंगे। लाभ बाट, कनूर, बजीस, ये सारी बार्ड्स को आपका 10 दिन या 15 डेज के भीतर पता लग सकता है। और एक होता है लाभ बाट में या कोई भी बार्ड में फीमेल, देखिए नेचर ने फीमेल को ही जन्म देने का ताकत दिया है, चाहे वो एक जन्म दे और इंसान में, जैसे हम लोगों का माता ने हम लोगों का जन्म दिया, मतलब औरतें में ही शक्ति है जन्म देने का, इसीलिए फीमेल बार्ड अगर आपका, मान लीजिए आप समझ रहे हो मेल फीमेल है, हालांकि वो फीमेल है, इसीलिए एक लेइंग बहुत करेंगे वो तो जमेगा नहीं, वो तो इनफर्टाइल रहेगा, लेकिन एक का काउंटिंग भी बढ़ जाएगा, मतलब एक लाभ बार ज़्यादा से ज़्यादा 6 एग, हाँ हेल्थ सही रहने से 10-12 एग भी प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। ज़्यादातर क्या होता है फीमेल मेट करने से उसका जो संपर्क में जो कुछ भी होता है उसमें दोनों ही फीमेल एग ले करेंगी, इसलिए काउंटिंग बढ़ जाता है, और मेल भी मेट होता है लेकिन एक फॉर्मेशन में नहीं आता है उसके शरीर में, क्योंकि प्रकृति नेचर ने उसके भीतर कोई भी लड़का के भीतर जन्म देने का ताकत नहीं है, चाहे इंसान हो या जानवर हो या पंछी हो। तो ये सारे चीज़ में थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखिए, ज्ञान नॉलेज रखिए, क्योंकि शुरू में आपको भटकना नहीं पड़ेगा जो बिगिनर हो, क्योंकि पहली बार बार्ड्स को लेकर आए हो, अचानक से मान लीजिए कोई कोइंसिडेंस के कारण या उसका उम्र हो चुका है, या सेमी एडल बार्ड भी कभी कभी वेदर सही होने से वो भी मेट कर लेता है, मान लीजिए आपका एक भी निकल आए, बेबी भी हो गया, लेकिन बेबी अगर नहीं निकल रहे हो तो एक को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे हम दिखा रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं। एक टॉर्च है, ऐसे कि एक चेकिंग का मशीन है, लेकिन हम लोग टॉर्च है, मोबाइल टॉर्च या ऐसी टॉर्च से करता हूँ। मान लीजिए ये टॉर्च है, लाइट आ रहा है, मैं एक फर्स्ट एक को, ये एक बजीस का एक है, देखिए एक छोटा है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये इनफर्टाइल एग है, क्योंकि भीतर लिक्विड जैसे है, देखिए योलो लिक्विड, हम पूरा दिखाने, क्योंकि अगर ये हम फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हैं, अगर ये बैक कैमरा होगा पूरा दिखा पाते, फिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये देखिए वाइट है पूरा, ठीक है, कभी कभी देखिए योलो आ रहा है, हम गार्ड पूरा समझ दिखाने की कोशिश, ये देखिए अभी आया, हाँ ये जो ये देखिए मेरे हाथ में भी थोड़ा सा शैडो आ रहा है, क्योंकि कैमरा है तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, हाँ, ये देखिए अभी आया, कैसे गाड़ दिया दिखाने की, छोड़िए देख रहे हैं कैसे आप लोगों को दिखा, ये देखिए ये जो गैप में देखिए कभी कभी येलो स्टोन आ रहा है, मतलब ये इनफर्टाइल एग है, जमेगा लिक्विड है लेकिन किसी कारण मेट सही से नहीं हुआ, स्पर्म का प्रॉब्लम है या फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं लाइट के कारण, क्योंकि मतलब ये मान लीजिए देखिए अभी तो दिख नहीं पाएंगे पूरा, लेकिन लाइट फेंकने के बाद जैसे इधर दिखा जा रहा है, हाँ दिखाने के, हम वही कलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, देखिए मेरे उंगली पे शैडो आ रहा है येलो कलर का, लेकिन इधर नहीं आ रहा है दिखाने,
पा रहे हैं आपको, फिर भी एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर ले। मतलब पूरा वाइट रहेगा, ऐसे लाइट बहुत ही ज़्यादा है, देखिए हम दिखाने के कने लाइट बहुत ही ज़्यादा है। कोशिश कर रहे, एक लाइट ऑफ करने के फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा लाइट है, तो लाइट में रखिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। हम लाइट ऑफ करके करके देख रहे हैं, इधर जो लाइट जल रहा है। नहीं, इधर भी नहीं दिखा रहे हैं। मतलब कैमरा, मतलब ये फ़ोन बैक कैमरा होगा तो तुरंत पकड़ लेते। फिर भी देखिए पूरा वाइट है, लेकिन यह येलो है इधर। हम दिखाने की फिर लाइट जला रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये पूरा आपका योलोस रहेगा, और वाइट वाला योलोस। लेकिन ये जो लंबाट का डिम है, देखिएगा आप, अब देखने की कोशिश कीजिए इधर। ये देखिए डिम आधा लिक्विड है, आधा जमा हुआ है, मतलब सही से हैचिंग नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी फॉर्मेशन हो चुका है इसमें। देखिए आप थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे, इधर घुमा दीजिए। ये देखिए अभी पूरा दिखा, देखिए बॉडी फॉर्मेशन है लेकिन नीचे लिक्विड है। ये भी इनफर्टाइल एग है, क्योंकि हालांकि इसमें बच्चा था, मतलब मेल फीमेल सही था, लेकिन सही से प्रॉपर हैचिंग नहीं हुआ। मतलब हीट, मतलब देखिए एक फॉर्मेशन जब भी होता है ना, तभी जाके मतलब जो बेबी का जन्म हुआ चला आता है, उसका फॉर्मेशन लिक्विड में रहता है, अचानक से कुछ नहीं होता है, साइंटिफिकली है। तभी जाके इसका नेचर का कैसे कारण, मतलब जो नियम बनाया है बर्ड्स को, उसको पेट के नीचे या बुक छाती के नीचे बैठ के फेदर देके इसको प्रॉपर हीट देना पड़ता है, तभी जाके वो लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेशन में आता है, हड्डी बनता है, मांस बनता है, ऐसे करके छोटा इतना सारा बेबी बन जाता है। और उसके टाइम के अनुसार ये छिलका अगर सही रहा तो भीतर से पुश करते हैं, उसका माँ बाप भी थोड़ा बहुत ठोकर के, एक वीडियो मैंने लॉन्च किया था, देखिएगा छोटा वीडियो था एक रोजी बाट का, बेबी कैसे एक से निकल रहे हैं, अब देख लीजिएगा मेरे ही चैनल पे है, 2-3 सप्ताह के भीतर। तो ये है, देखिए थोड़ा सा लिक्विड भी है और थोड़ा सा आपका जमा हुआ भी है, मतलब प्रॉपर हैचिंग नहीं हुआ। ये अगर कंडीशन है, इसको इनफर्टाइल, हम लोग इनफर्टाइल बोल सकते हैं। अगर ये मान लीजिए ये जो एक है पूरा, अगर आधा लिक्विड है आधा गारा है, तो इसीलिए आधा फॉर्म, मतलब बॉडी आते आते सही से हीट नहीं मिला, माँ बाप सही से हीट, मतलब उसका जो पेयर था वो सही से बैठ नहीं पाया या बैठा नहीं, तो ये कंडीशन में आ गया। और एक होता है पूरा काला, मतलब बेबी अंदर ही मर गया, उसका मतलब है डेड इन सेल, मतलब मौत हो गया सेल के भीतर ही, डेड इन सेल। मतलब इसमें बहुत सारे कारण, वो भी एक मतलब हीट के कारण होता है, कैल्शियम ज़्यादा हो जाने के कारण, मतलब ये जो छिलका है एक का जो कोटिन है, मतलब जो एक जो टफ है, इतना टफ हो जाता है टाइम होने से बच्चा नहीं निकल सकते। तो ये होता है, ये देखिए एक पूरा मतलब फॉर्मेशन हुआ है, दिखाया जा रहा है, लेकिन नीचे लिक्विड है, मतलब ये कभी, मतलब ये मेल फीमेल कन्फर्म है लेकिन सही से हैचिंग नहीं हुआ, इसीलिए प्रॉब्लम। लेकिन ये फीमेल फीमेल भी हो सकता है, मेल मेल भी। देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे, देखिए पूरा वाइट है, लेकिन इधर हम बाहर से देख रहे हैं थोड़ा सा लिक्विड, जो भीतर में जो हम लोग कुसुम रहता है ना, कुसुम का कलर में कुछ है जो लिक्विड है, लेकिन ये एक जमेगा नहीं। हो सकता है ये फीमेल फीमेल हो सकता है मेल फीमेल मेट किया हो, लेकिन प्रॉपर जो उसका संबंध होना चाहिए सही से हुआ नहीं। और एक इनफर्टिल हो सकता है, अब बार्ड्स कभी कभी देखिएगा केज फ्लोर में भी मेट करता है, मटकी के ऊपर भी मेट करता है, अगर आपका भी नेस्टिंग बॉक्स है उसके ऊपर भी करता है, और केज का जो डाल है ना, जो स्टिक है जहाँ बैठे रहते हैं, उधर अगर थोड़ा सा हिले मेटिंग टाइम में, हर्ड जो डाल है, जो स्टिक है, जो मतलब जो हम लोग उधर बार्ड जाके उड़ के बैठते हैं, वो अगर कोई डंडा अगर सही नहीं होगा, मतलब हिलेगा, उसके कारण भी आप इनफर्टाइल हो सकता है। मतलब मेटिंग तो होगा लेकिन फॉर्मेशन में आएगा, फॉर्मेशन होने के बाद भी सही जो लिक्विड उसमें जाना चाहिए एक फॉर्मेशन में, सही नहीं आएगा। तो ये जानकारी ज़रूर रखिए,
और कभी कभी 10 दिन के भीतर एक को निकल के, ज़्यादा टाइम बाहर निकल के मत रखिए, जस्ट टेस्टिंग के पर्पज़ अब चेक करके रख दीजिए। और एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी एक अगर ऐसे कंडीशन में है, ऐसे नहीं ऐसे कंडीशन में है, फेंकिए मत। अब मिनिमम उसका बेबी निकलने का जो डेट है वहाँ तक ज़रूर रखिए। कभी कभी ये भी देखा गया था, मेरे घर में भी हुआ है, मेरा जो फिंच सॉरी मैं जो लाभदूत बजिस बर्ड है जिसका नाम है चैम, कभी कभी उसमें एक कारण हुआ था, उन्होंने छेड़ एक ले किया था, फर्स्ट में फूटा था, उसके बाद लास्ट एक मतलब बीच में कोई मतलब ये हम एक दो साल के पीछे जा रहे हैं, उस टाइम पे हुआ था, उसमें लास्ट एक निकल आए थे, बाकी इन्फॉर्म मतलब जमा नहीं, सही से हीट प्रोवाइड नहीं किया। मेरे साथ ऐसे हुआ था एक बार, तो इसीलिए कभी एक फेंकिया नहीं। कौन से बाबी बेबी से कौन सा कैसे क्या होगा कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जीवन है, सब कुछ उसके हाथ में है। हम लोग तो सिर्फ ये बोल सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन मतलब जीवन में तो सब कुछ उसके हाथ में है, ये हमारा पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी हम लोगों को जैसे ख्याल रखना चाहिए वो ज़रूर ख्याल रखिए। फिर एक बार दिखाने की हम कोशिश करें, देखिए इतना लाइट आ रहा है ना, क्या करो ना, ये एक दिखा पाए आपको, ये एक नहीं दिखा पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ गया, लेकिन ये एक बिठाइए, देखिए आपका पूरा दिखेगा। ये देखिए ऊपर बॉडी है, नीचे ये है, ये जो हाँ ये देखिए ऊपर बॉडी है, फिर भी लाल लाल भाव। और एक चीज़ आपका मतलब ये जो एक देखिए इधर एक लाल लाल भाव दिखा रहे हैं, ये जो रेड कलर का मतलब ये बाड मतलब ब्लड नेट जिसको बोलते हैं, जाली जिसको बोलते हैं, आ रहा है का मतलब ये एक फटेगा मतलब फूटेगा। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में मतलब रेड वाला चीज़ जो रेड दिखा रहे हैं ना, देखिए ये जो ये वाला पोर्शन में जो रेड दिखा रहे हैं, ये अगर कंडीशन आएगा तो ज़रूर जानिएगा आपका एक जम रहा है, मतलब बेबी चाहे लड़का हो लड़की हो तो बाद में, लेकिन बेबी का जन्म होगा। तो ये सारे एक टोटल प्रोसेस है, ज़रूर जानिए जो बिगिनर है, जानना ज़रूरी है, नहीं तो आपको सभी को ढूंढना पड़ेगा, मतलब इसको को पूछना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, पूछिए मत। हम एक बात बोला है, शांतनु वाट्स का चैनल जो सही से इस चैनल का मतलब क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं जान पाएंगे, एक साल के भीतर वो खुद के पैर में खड़ा हो सकता है, किसी को लिए उसको पूछना नहीं पड़ेगा। चाहे वो मेडिसिन के बारे आपके एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो डॉक्टर को आपको सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप घर में ही उसका केयर करके उसको बचा सकते हो, ब्रीड भी कर सब कुछ कर सकते हो। लेकिन सही एडुकेशन चैनल है, एडुकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे जानकारी के हिसाब से वो मतलब आपको साइंटिफिकली प्रूफ मिलेंगे, ऐसे ही नहीं जो मेरे मन में कुछ आए यार आप लोगों को बोल दिया दिखा दिया, ऐसे कुछ नहीं है। आज तक जितना हम वीडियो बनाए आप लोगों के लिए हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू है, तो इसीलिए जो सीरियस हो अबाउट योर वर्ल्ड या जानना चाहते हो तो ज़रूर देखिए, आपका हेल्प ज़रूर होगा, तभी जाके आपको मतलब भटकना नहीं पड़ेगा, कोई फ़ोन रिसीव करे या ना करे कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आप खुद में जैसे मैं हूँ खुद हम कुछ भी हो जाए मैं किसी के लिए भटकता नहीं हूँ, पहले था, अभी जो मेरा कॉन्फिडेंस मेरा नॉलेज है उसी के हिसाब से, और जितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है मैं कभी कुछ किसी को पूछता नहीं हूँ, मेरा जितना भीतर नॉलेज है उसी को हम कोशिश करते हैं, भगवान की कृपा से मैं उसको सक्सेस भी मिलता है। तो इसीलिए मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी खुद के पैर में खुद खड़ा होना मतलब होने के लिए सीखिए, इसीलिए प्रैक्टिकल करके आज दिखे। तो आज इतना ही, कल वीडियो नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो कॉल व्हाट्सएप कीजिए, और वो चैनल भी विजिट कर लीजिए, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसका नाम है इनर हैप्पी, मतलब अंदरूनी जो खुशी होता है वो कैसे होता है, हर चीज़ प्रैक्टिकली हम समझाएंगे। इस फील्ड में भी मेरा नॉलेज है बहुत दिनों का, बार्ट्स के ज़्यादा नॉलेज है इस फील्ड में, अभी तक छुपा के रखा, लेकिन अभी ये चैनल के माध्यम से आपका बार्ट्स का हेल्प हो रहा है, और उसी चैनल के माध्यम से अगर हो सके आप लोगों का हेल्प आएगा, क्योंकि कैसे खुद के भीतर मोटिवेशन जगा के रखें किसी के ऊपर डिपेंड ना होते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दिखा होगा मतलब देखा होगा संडे को नया टॉपिक नया वीडियो के साथ। नमस्कार।
हैं।